अध्याय यह वार्ता एक। मेरा एक व्यवसाय है और हाल ही में मेरे लिए आर्थिक स्थिति बहुत कठिन हो गई है। मेरी दुकान बहुत चलती है, मेरे कई ग्राहक जा चुके हैं। मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आपको 40 दिनों तक पूर्ण यौन संयम रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपने बहुत ही अपवित्र जीवन जिया है। आप एक भयानक व्यभिचारी रहे हैं, यानी आपने अपनी यौन ऊर्जा को अनाड़ी रूप से खर्च किया है। यौन अंगों और पीनियल ग्रंथि के बीच घनिष्ठ संबंध को समझने के लिए यह अनिवार्य है, यह जरूरी है। जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ उससे चकित ना होना। वो छोटी ग्रंथि मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है। कोई भी गनोस्टिक छात्र अच्छी तरह जानता है कि हमारे शरीर में हमारे पास एक पूर्ण वायरलेस सिस्टम है। सौर जाल नाभि के क्षेत्र में स्थित टेलीपैथिक रिसीवर एंटीना है, जो हमारे दोस्तों और दुश्मनों की मानसिक तरंगों को पकड़ता है और उन्हें दिमाग तक पहुंचाता है। पीनियल ग्रंथि विचार का संवाहक है, जो तरंगों को विभिन्न लोगों और स्थानों तक पहुँचाती है। यह स्पष्ट है कि महान विक्रेता, सभी समय के महान व्यापारी, ऐसी ग्रंथि बहुत विकसित होती है। जब यौन ऊर्जा नष्ट हो जाती है तो पीनियल ग्रंथि कमजोर हो जाती है, पतित हो जाती है। फिर कोई भी बल के साथ मानसिक तरंगों का उत्सर्जन नहीं कर सकता है। इस प्रकार व्यापार में विफलता परिणाम है। चूंकि आप एक अपवित्र व्यक्ति हैं, जो हमारे गूढ़ अध्ययनों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, केवल एक चीज जो मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि यौन ऊर्जा जमा करने और अपनी पीनियल ग्रंथि को बल देने के लिए कम से कम 40 दिन पूर्ण यौन संयम रखें। इस प्रकार आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, अनुकूल परिवर्तन होगा। इसके अलावा मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अपने जूतों के भीतर सल्फर ले जाएं। हैरान मत हो, सल्फर का ईथर उत्सर्जन आपके व्यक्तिगत वातावरण को साफ कर देगा। आपको पता होना चाहिए कि व्यभिचार के माध्यम से आपकी आभा के चारों ओर कई अदृश्य लावा बनते हैं। लावा की कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन गंधक के उत्सर्जन से वे गंदे लावा विघटित हो जाते हैं और आपका वातावरण साफ हो जाता है। इसके अलावा आपके लिए उस जगह के वातावरण को साफ करना सुविधाजनक है जहां आपका व्यवसाय है। तो सल्फर स्मूदी, एक धुएं के रंग की सल्फर की आग, लावा को वहां से भगाने के लिए का प्रदर्शन करें। सावधानी, जलते हुए गंधक के जहरीले धुएं में सांस न लें। ऐसा लगभग 9 दिनों तक करें। इसके बाद वातावरण को मधुर बनाने के लिए, इसे सुखद बनाने के लिए एक और 9 दिनों के लिए चीनी के साथ स्मूदी करें। हम यहाँ गूढ़ता के बारे में बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आप मुझे समझते हैं, क्योंकि आपको अपना व्यवसाय सुधारने की आवश्यकता है। दो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं समृद्ध होने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं मेक्सिको के राज्यों के कई शहरों में लेख बेचता हूँ, इसलिए मेरे पास व्यवसाय का कोई स्थान नहीं है और ऐसे महीने हैं जहाँ मुझे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता है। मैं आपकी स्थिति को समझता हूँ मेरे दोस्त। पूरी ईमानदारी के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि जब कोई भगवान के कानून की 10 आज्ञाओं को पूरा करता है, जब कोई प्रतिदिन पिता से गुप्त रूप से प्रार्थना करता है, तो यह स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति में सुधार होता है। तब हमारे स्वर्गीय पिता हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन जब कोई बुरा हो जाता है, जब वो 10 आज्ञाओं को वास्तव में पूरा नहीं करता है, जब कोई अपने आप को पिता के हवाले नहीं करता है, तो पिता अनुपस्थित होता है और एक का अपमान होता है। मेरी सलाह का पालन करें, दान के कई काम करें, पवित्रता का व्रत करें, अपने शरीर को सुगंधित जड़ी बूटियों से स्नान करें, जैसे कि पुदीना, कैमोमाइल, नीलगिरी, अखरोट आदि। इन पौधों को अपने दैनिक स्नान में 40 दिनों तक उपयोग करें और मैं दोहराता हूँ, जन द्वारा दान के कार्य करना, तभी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 3, तो ठीक है,
लेकिन शुद्धता से आप क्या समझते हैं? मेरे मित्र, यहाँ मैं आपको हमारे ज्ञान शास्त्रीय अध्ययनों के आर्कनम एजेड एफ के बारे में नहीं समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप इसे नहीं समझेंगे। यह केवल उन लोगों के लिए एक प्राथमिक पुस्तक है जिन्होंने कभी हमारी अन्य पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया है। मैं आपको यह बताने के लिए अपने आप को सीमित कर दूंगा कि आपको विचार, शब्द और कार्यों में 40 दिन का यौन संयम रखना चाहिए, वो सब है। हालांकि यदि आप हमारी पढ़ाई में थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारी उन्नत पुस्तकें पढ़ें, जैसे कि द परफेक्ट मैट्रिमोनी और कई अन्य। 4, क्या आप मुझे दान के उन कार्यों के बारे में बता सकते हैं जो मैं कर सकता हूँ? आपके लिए यह जानना अच्छा है कि दान के कार्य दया के कार्य हैं, अर्थात भूखे को भोजन देना, प्यासे को पेय देना, नग्न को कपड़े पहनाना, जो नहीं जानते उन्हें सिखाना, बीमारों को चंगा करना आदि। 5, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कब परोपकार का काम कर सकता हूँ और कब नहीं, और किसको? सामेल ऑन वेर, कोई किसी दूसरे का न्याय करने के लिए न्यायाधीश नहीं है। इसके अलावा दान के लिए न्यायाधीश की आवश्यकता नहीं होती है। दान सामान्य ज्ञान की बात है। भूखे को खाना देना बहुत मानवीय है, क्योंकि कैदियों को भी खाना पड़ता है, नहीं तो वे भूख से मर जाते। प्यासे को पानी पिलाना बड़ी तार्किक बात है, क्योंकि प्यासे को एक गिलास पानी देने से इनकार करना क्रूर होगा। नग्न को शर्ट देना बहुत स्वाभाविक है। पीड़ित को सांत्वना देना बहुत मानवीय है, इसलिए हमें उसके लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता नहीं है। फिर भी शराबी को शराब देना या किसी हत्यारे को हथियार उधार देना एक बेतुकापन होगा। प्यार कानून है, लेकिन प्यार को संज्ञान से